Hello my dear children, welcome to today's class. Today we shall learn a poem. Children, before we start our class, I want you all to recite a rhyme with me. You all love rhymes, na? So sing with me children. Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair. Eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. तो बच्चों बताइए कैसी लगी ये छोटी सी राइम आपको? अच्छी लगी ना? आपने एंजॉय किया? So children, अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को थंब से उसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करिए, जैसे मैं कर रही हूं ना वैसे, ठीक है? अब आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, यानी कि हवा को बाहर निकालेंगे, ठीक है? ऐसे आप रिपीट करिए। तो बच्चों अभी हमने क्या किया? यस, वी हैव डन अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हम लोग एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए है ना, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो पेंडेमिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें आप लोगों को बोला जाता है ना योगा करना है, एक्सरसाइज करने हैं, है ना, आपकी इम्यूनिटी डेवलप करना है, तो आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते समय किसका इस्तेमाल किया है? हमने अपने नोज का इस्तेमाल किया है। तो नोज से हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं ना हम, एयर अपने बॉडी के अंदर लंग्स तक भेजते हैं और वो बॉडी के अंदर से एयर को एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं, ठीक है? तो अब हम आज हमारा जो टॉपिक है वो भी नोज से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों? हमारा टॉपिक है नोजेस, एक पोएम है, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम देखते हैं कि हमारा पोएम कैसा है। So children, today we are going to learn the poem named Noses. का नाम क्या है? Noses. So let's see the first stanza, children. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. So in this first stanza, what is the poet saying? She says that when she looked in the mirror, जब उसने मिरर में देखा, मिरर क्या है बच्चों? मिरर आईना, जैसे आप कभी तैयार होते हो तो किसमें देखते हो कि आप अच्छे लग रहे हो कि नहीं? मिरर में देखते हो ना, तो that is she looked at the mirror, उसने मिरर में देखा और उसे क्या लगा? उसे उसका नोज बहुत ही फनीएस्ट थिंग लगा। फनीएस्ट यानी जिसे देख के उसे हंसी छूट रही थी, ठीक है? द वे इट ग्रोथ स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, यानी कि आपके फेस में वो सामने ऐसे ऊंचा होके लगा हुआ था, तो उसे बहुत ही अजीब लग रहा था उसे देख के। विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज, विथ टू होल्स, दीज टू होल्स आर देयर इन योर नोज ना चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। तो ये जो नोज में आपके नोज है उसे देख के इस बच्ची को बहुत ही फनीएस्ट थिंग लगता है, नोज उसको वो उसे बहुत ही अजीब लगता है जिसे देख के उसे हंसी छूटती है, ठीक है? She feels it the funniest thing in your face, okay? Next stanza, let's see the next stanza children. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. And between there isn't much space to spare, with my nose like a handle sticking there. तो second stanza में उसने क्या बताया? उसने बताया, she saw herself again in the mirror and what she saw? She saw that on her face में chin से hair के जो start है, यहाँ पर हमारा हेयर स्टार्ट होता है ना, और इसके बीच में जो स्पेस है, यानी कि आपका जो फेस है वहां पर
इतना जगह नहीं है कि वो वेस्ट कर सके, बट ये नोज जो है वहां पर बीच में लगा हुआ है, ठीक है। द नोज इज स्टिकिंग इन द फेस इन द मिडिल, सो शी फील्स इट्स फनी, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टैंजा, व्हाट शी इज सेइंग, इफ एवर यू वांट टू गीगल एंड शाउट, इफ एवर यू वांट टू गीगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। सो चिल्ड्रन, इन द थर्ड स्टैंजा व्हाट इज द गर्ल सेइंग, उसे द गर्ल इज सेइंग दैट इफ यू वांट टू गीगल एंड शाउट, अगर आपको हंसने का मन करे, चिल्लाने का मन करे, शाउट का क्या मतलब होता है, चिल्लाना, और गीगल है लाफिंग, ठीक है। आपको जब हंसना हो, शाउट करना हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए आपको समझ नहीं आ रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट लुक इन द मिरर, आप अपने आप को मिरर में देखिए, ठीक है। आप जरूर अपने नोज को देख के हंस पड़ोगे। सो द गर्ल इज सेइंग दैट व्हेन यू वांट टू लाफ, गीगल एंड शाउट, जस्ट लुक इन द मिरर। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। चिल्ड्रन, दिस लवली पोएम वॉज रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट्रेस एलिन फिशर, ठीक है बच्चों। सो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स चिल्ड्रन। First is mirror. Let's spell out M-I-R-R-O-R. Mirror. What's the spelling of mirror, children? M-I-R-R-O-R. Mirror. You all have seen mirror at your home, na? So, next is funniest. Next word is funniest. F-U-N-N-I-E-S-T. The most funniest. Funniest means the most funny. That means causing laughter, ठीक है, जिससे आपको हंसी आ जाती है वो है funniest. Next is breathing. What is breathing? The intake of air and exhale, that be air, intake of air and exhale of air is called breathing. जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसे हम breathing कहते हैं, ठीक है। Next is sticking. What is the spelling of sticking? S-T-I-C-K-I-N-G. Sticking. Sticking मतलब चिपका हुआ, ठीक है। जैसे आपका नोज यहाँ चिपका हुआ है ना, जैसे इस पोएम के हिसाब से वो क्या कह रहे हैं, बीच में फेस में चिपका हुआ है, जैसे आप कोई चीज पेस्ट करते हो, ठीक है, तो वो है स्टिकिंग। सो द नेक्स्ट वर्ड इज गीगल, G-I-G-G-L-E. सो what इज द मीनिंग ऑफ गीगल चिल्ड्रन? Giggle means to laugh in a silly way. किसी चीज का मजाक बना के हंसते हैं ना, मजाक हमें देख के हंसी छूट जाती है, वैसे, ठीक है? So let's see some other new words children. First word is S-P-A-R-E. Spare. What is the meaning of spare? To waste. Okay? To excess or waste. Next word is shout. So what is the meaning of shout? Just now I told you na. Kya hai shout ka matlab? Yes, apne sab ne sahi jawab diya, chillana. Next word is handle. H-A-N-D-L-E. Handle. Ab bataiye handle kya hai? We use to pull a door, or we hold the handle to pull open a drawer or door. अब समझ आ गई, किसको हम पकड़ के, किसी चीज को हम पकड़ के डोर को खोलते हैं ना, या drawer को खोलते हैं, या किसी भी चीज को ओपन करना हो तो पुल करना हो तो हम किसको पकड़ते हैं, हैंडल पकड़ते हैं ना, इट इज हैंडल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डाउट, डी D-O-U-B-T. Now tell me what is doubt? Doubt क्या है? कुछ
आपको आंसर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सोचने लगते हो ना, डाउट होते, फिर बोलूं नहीं बोलूं, सोचते रहते हो ना मेरा जवाब सही होगा गलत होगा, तो वो क्या है, डाउट में है आप, है ना। तो हिंदी में हम क्या कहते हैं, संदेह। डाउट का क्या मतलब होता है, संदेह। ठीक है बच्चों, सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेक्शन चिल्ड्रन, दैट इज रीडिंग इज फन। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका हम आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। अच्छा, इस पोएम में पोएट को उनका नोज बहुत फनी क्यों लगा, क्या आप बता सकते हैं उन्हें फनी क्यों लगा? बिकॉज नोज हैज टू होल्स एंड इट इज स्टक ऑन आवर फेस लाइक अ हैंडल। हमारे फेस में वो एक हैंडल की तरह लगा हुआ है जिसमें दो होल्स हैं, इसलिए उन्हें ये बहुत ही नोज जो है बहुत ही फनी लगा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज योर नोज इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाई इज योर नोज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बता सकते हो आप नोज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिना नोज के आप रह सकते हो? नो, नोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या क्या बोल सकते हैं, व्हाई इज योर नोज इंपॉर्टेंट फॉर यू? नोज इज इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट हेल्प्स मी टू ब्रीथ, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज। डज द चाइल्ड इन द पोएम, इस पोएम में जो बच्ची थी क्या उसे उसका नोज अच्छा लगा? और लगा हो तो व्हाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसे क्यों लगा, क्या उसको नोज अच्छा लगा बच्चों? यस, शी लाइक्ड हर नोज। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो उसे देखकर हमेशा हंसती थी, है ना, फनी लगता था। इट वॉज स्टक ऑन हर फेस लाइक अ हैंडल, और जिसे देख के वो हमेशा हंसती थी, तो शी लाइक्ड हर नोज। सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेक्शन चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। क्या आपने कभी कोई ऐसे फनी चीज देखा है जिससे आपको हंसी आई हो, क्या आप बता सकते हो? कभी आपने किसी की ऐसी अजीब वगैरह मूछ देखी है, मुस्टैच ऐसे अजीब सा रहता है तब आपको हंसी आती है? कभी कुछ एनिमल्स को देखा होगा छोटे छोटे इंसेक्ट्स या थिंग्स के पीछे दौड़ते हुए, है ना, भौंकते रहते हैं ना, डॉगीज को देखा होगा, तो उस सबको देख के आपको हंसी आती है? जरा सोचिए आपको किन किन चीजों से हंसी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फीचर्स मीन। फीचर्स का क्या मतलब होता है? जो हम किसी को देखते हैं, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उसे हम फीचर्स कहते हैं। जैसे देखते साथ हमको किसी का बाल छोटा लंबा, है ना, किसी का गोल फेस होता है, किसी का लॉन्ग फेस होता है, राउंड फेस, ओवल फेस, ऐसे होता है ना, तो ये सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो अब लुक अप द डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी में इसका मीनिंग ढूंढना है। आप सबके पास डिक्शनरी होगा ना, तो डिक्शनरी में आप फीचर्स का मीनिंग ढूंढिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड। आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, तो उन सबको देख के आपको क्या क्या अलग अलग तरह का फीचर्स दिखता है। जैसे टॉल, कोई टॉल है, कोई आपका अंकल है, आंटी है, जो भी है, बहुत टॉल है ना, कोई बहुत ही शॉर्ट है, कोई थिन है, बहुत पतला है, कोई फैट है ना, तो इस तरह के ये सब जो है फीचर्स हम अपने आसपास देख सकते हैं, ठीक है। आप भी अपने आसपास ऐसे फीचर्स को ढूंढिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स सिंग। अब आपको एक सॉन्ग गाना है, ठीक है। सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग। आपको ये सॉन्ग गाते गाते क्या करना है, मार्च करना है, चलना है। व्हेन यू कम टू जिंजर, जब आप जिंजर पे पहुंचोगे, टेक टू स्टेप्स बैक एंड से टू थ्री। व्हेन यू कम टू जिंजर, यानी जब जिंजर में पहुंच जाओ, व्हेन यू रीच दैट पॉइंट, यू हैव टू टेक टू स्टेप्स बैक, ओके, टू थ्री स्टेप्स बैक, देन स्टार्ट अगेन, ओके। तो आपको मार्च करते करते वो ये बोलना है। चलिए आप भी मेरे साथ मार्च करिए। द
There was a girl so tall, thin and fair. Her hair was the delicate shade of ginger. अब जब जिंजर आ गया आपको दो स्टेप पीछे लेना है, ठीक है? Then repeat the lines again. There was a girl so tall and thin and fair. Her hair was the delicate shade of ginger. तो अच्छा लगा, है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं. So children, next is fun time. Sit in groups. You have to sit in a group. Look at your friend's face and describe what you see. आपको भी एक ग्रुप में बैठना है और अपने फ्रेंड्स का, जो आपके दोस्त हैं, उनका फेस देख के लिखना है. बट अभी तो आप घर में हो, ये सब नहीं कर पाओगे. तो आप अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही कर सकते हो. भाई बहन है, मम्मी पापा है, ठीक है? तो यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू. यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो. चिल्ड्रन, हियर यू हैव टू राइट अबाउट योर फैमिली मेंबर्स फेस, उनके बाल, ये सब के बारे में आपको लिखना है. सो चिल्ड्रन, इफ यू वांट टू राइट अबाउट योर सिस्टर, व्हाट यू कैन राइट? यू कैन राइट माय सिस्टर हैज एन ओवल फेस. ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि आपकी सिस्टर की ओवल फेस है. ठीक है, देन व्हाट यू कैन राइट? शी हैज फ्लैट नोज. उसकी नोज कैसी है? फ्लैट है. और आप अपनी सिस्टर को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? हर आईज आर राउंड. आपकी सिस्टर की आई कैसी है? गोल है, राउंड है. ठीक है, नाउ यू कैन एड फ्यू मोर सेंटेंसेस लाइक दिस चिल्ड्रन. लाइक उसकी हेयर कैसी है, लॉन्ग है, शॉर्ट है. ठीक है, नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन चिल्ड्रन. क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? Describe it in 5 sentences. Children, here you have to write about your favorite fruit. Suppose your favorite fruit is a mango. You can see the picture here of a mango. So you will write, my favorite fruit is mango. Okay children, you will write, my favorite fruit is mango. Suppose your favorite fruit is apple or orange or some other fruit, you will write, my favorite fruit is apple, orange, banana, whatever you like, you may write here. Okay children, next, how does it smell? How does the fruit smell? It smells good. It smells good. अच्छा लगता है ना उसकी खुशबू. How does it look? कैसे दिखता है? आप ये मैंगो को देखिए. How the mango looks? It is yellow in color. How the mango looks? Yellow color. Suppose you are writing about an apple. What will you write? It is red in color. So here you will write, it is yellow in color. It is yellow in color. Okay children, now let's see the next question. How does it feel? How does it feel when you eat it? How does it feel? कैसे लगता है? It feels
feels very tasty और आपको delicious जो भी है आप जैसा भी चाहते हैं वैसे आप लिख सकते हैं. तो आप कैसे लिखोगे? It feels very yummy, tasty, कुछ भी लिखेंगे ठीक है. When you bite it, what sound does it make? Suppose आप mango को दांतों से काट रहे हो. Bite means काटना. तो काटते समय कैसे लगता है, कैसे साउंड आता है? When you bite it, what sound does it make? So it makes a slap. जैसे आप जूसी जूसी फ्रूट्स को जब आप मुंह में काटते हो ना तो कैसे साउंड आता है? स्लर्प, उसकी जो जूस है उसे आप अंदर खींचते हो ना तो ऐसे साउंड आता है ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ डज इट टेस्ट. हाउ डज अ मैंगो एन एप्पल टेस्ट? इट टेस्ट स्वीट. यू विल राइट इट टेस्ट स्वीट. मीठा लगता है ना फ्रूट ठीक है. अगर आप ऑरेंज के बारे में लिखोगे तो मीठा तो नहीं लिखोगे, क्या लिखेंगे? यू विल राइट सार. कैसे टेस्ट करता है? खट्टा लगता है ना. यू विल राइट इट टेस्ट सार, एस ओ यू आर सार. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन. आवर नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स राइट. व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? क्वेश्चन नंबर वन इज डू यू नो अ फिश breathes from its gills. Do you know children that the fish breathe through their gills? Fish के पास क्या होता है? Gills होता है जिससे वो पानी में water में breathe करते हैं, सांस लेते हैं ठीक है. Write two sentences about other animals which can breathe under water. Here you have to write two sentences about other animals that live in water. You can write like this. What I have written here? Crocodiles and turtles are water animals. Crocodiles and turtles are water animals. Okay, children? They can breathe in water. Like this, you can write your own sentence also. Okay? Now, let's move towards the next question. Next question is, punctuate the following passage. Here, one passage is given. You have to use punctuation marks. Children, do you know what are the punctuation marks? The marks used in a sentence for pause, you know, while reading or writing, we need stop at some places that are called punctuation marks. Like aapka question mark hai, exclamation mark hai, comma hai, they are called punctuation mark. And before we start a sentence, what we do? We write the first letter capital. ओके तो यहाँ पर हमें ये जो पैसेज दिया है इसे हमें क्या करना है? पंक्चुएट करना है. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू. मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन. आई हैव गॉट अ फायर इंजन. व्हाट्स दिस? व्हाट्स दिस कॉल्ड? मदर समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज, आई हैव गॉट अ फायर इंजन. मदर कम एंड सी इट. डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? ऐसे पढ़ने से कुछ समझ आया आपको? नहीं ना बच्चों, बिकॉज दिस पैसेज लैक्स पंक्चुएशन मार्क. क्योंकि आपको इसीलिए पंक्चुएशन रहता है तो आपको समझ आता है इसलिए कि कहां पर आपको रुकना है, पॉज करना है ठीक है. अब इसमें बिना पंक्चुएशन मार्क का कुछ सिर्फ है कुछ समझ नहीं आया ठीक है. तो लेट्स पंक्चुएट दिस पैसेज. फर्स्ट मदर फादर, फर्स्ट लेटर ऑफ दिस mother M will be capital. Okay children, and it is what you say Neelam जो है बता रही है ना, तो आप इसे inverted comma में लिखेंगे. Inverted comma कैसे लगाते हैं? आपको starting वाला जो inverted comma है first जो लगाते हैं that you have to write from bottom to top. देखिए नीचे से हमें जो है ऊपर की तरफ लिखना है ठीक है. मदर कमा फादर दो जन है तो इसलिए बीच में हम क्या लगाएंगे?
again we'll put a comma. Neelam, Neelam is the name of a girl. Again we'll write capital letter here. N capital. Neelam said. अब नीलम क्या कह रही है? अपने मदर फादर को आवाज लगा रही है और कह रही है कि नीलम से कमा अगेन इन्वर्टेड कमा विल पुट इन्वर्टेड कमा हियर आई हैव गॉट अ फायर इंजन. मुझे क्या मिला है? आई हैव गॉट अ फायर इंजन. ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि वो खुशी से बोल रही है ना, एक्सप्रेस कर रही है, दैट्स व्हाई वी विल पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क हियर. ओके, I have, यहाँ पर देखिए I have कैसे दिया हुआ है, I V E यानी कि शॉर्ट फॉर्म में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, apostrophe लगा के I apostrophe V E. Okay, I have got a fire engine and the inverted comma closed. Close करते समय आप ऊपर से ही close करेंगे, ऐसे ऊपर से inverted comma close करेंगे. Okay. What's this? What's this? Now her mother, after hearing her voice, she says, What's this? What's this? So ये question है. तो question के लिए हम क्या लगाएंगे? Question mark. Okay children? Call mother. Call mother. कौन चिल्ला रहा था? उनकी माँ, यानी कि नीलम की mother जो है, आवाज सुनके somewhat confused. She was little confused कि क्यों उनकी बेटी इतनी जोर जोर से आवाज कर रही है. So she was little confused and she asked, What's this? What's this? So here you will put a semicolon. Okay children? By the noise, जो उसकी आवाज है वो सुन के उसकी मम्मी What's this? What's this? पूछने लगी. ठीक है? So here ends the sentence. So we'll put a full stop. Okay? Next, in inverted comma, we'll write, I have got a fire engine. So, I have got a fire engine. Again, we'll write, I have, like this. आपको apostrophe लगा के, I have got a fire engine, comma. Mother, come and see it. वो अपनी मम्मी से कह रही है, Mother, come and see it. Here ends the sentence and the inverted comma closed. So, in this way, you have to punctuate this passage. Okay, children? Now, children, let's move on to the third question. The question is, using a red pencil, choose and circle the things whose smell you like. Children, here, few things, name of few things are given. You have to circle them, those you like, with red pencil. Okay? Now, with a blue pencil, circle the things whose smell you do not like. कुछ smell जो आपको नहीं पसंद भी होते हैं, उनको आपको क्या करना है? Blue color से circle करना है. Okay children? First, let's circle the things you like. Okay? Use a red pencil for that. First word is petrol. Do you like petrol? Smell of petrol आपको अच्छा लगता है? If you like it, you can circle it. Otherwise, leave it. Then, rose. क्या आपको रोज की स्मेल अच्छी लगती है? तो आप क्या करेंगे इसको? Circle करेंगे. तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है. ठीक है? So, I like roses very much. So, I have circled it with red color. Okay, children? Next is scent. Do you like the smell of scent? If yes, then circle it with a red color. Next word is chocolate. I know you all love chocolates, isn't it kids? So circle it with a red color. Now move to the next group of words, that is chips. Chips, do you like chips? I don't like. So I won't circle. If you like, you can circle it. Next is shampoo. Many shampoos smell good. है ना, अच्छी खुशबू होती है ना. चलिए हम शैम्पू को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट इज रॉटन फ्रूट. रॉटन फ्रूट खराब हुआ हुआ जो फ्रूट्स होता है ना, जो खराब हो जाता है, क्या आपको वो अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट वर्ड इज चंपा. चंपा इट्स अ फ्लावर. क्या आपको ये अच्छा लगता है?
If yes, you can circle it with a red pencil. Next word is dirty shoes. Oh my god, dirty shoes. किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना? So we don't circle this. Next is soap. Soap अच्छा लगता है क्या? Soap की खुशबू अच्छी लगती है आपको? किसी किसी को जरूर अच्छी लगती होगी, है ना? अगर लगती है तो आप सर्कल करिए, ठीक है? नेक्स्ट इज अगरबत्ती. क्या बताइए, अगरबत्ती की खुशबू अच्छी लगती है? चलिए, मुझे तो अच्छी लगती है. ओके, नेक्स्ट इज मैरीगोल्ड. डू यू लव मैरीगोल्ड? लव द स्मेल ऑफ मैरीगोल्ड चिल्ड्रन? देन सर्कल इट विद अ रेड पेंसिल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट इज पेंट, गार्बेज, कॉफी, इलायची. डू यू लव द स्मेल ऑफ पेंट? सम पीपल लव द स्मेल ऑफ पेंट. अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी सर्कल कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट इज गार्बेज. ओ माय गॉड, गार्बेज तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती होगी, आपको भी नहीं लगती है ना? गार्बेज क्या है? कूड़ा कचरा जो होता है ना, किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, तो उसे हम सर्कल नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज कॉफी. Do you love coffee? If yes, then you can circle it. Next is elaichi. Sweet dishes में सब में हम elaichi इस्तेमाल करते हैं ना? अच्छी लगती है elaichi की खुशबू. Let's circle this with a red pencil. Now it's over, children. Now what about the smells that you don't like? That you have to circle with a blue pencil. So let's circle it with a blue pencil. The first word is petrol. Next is chips. आपने अपने बुक में जिस चीज को सर्कल नहीं किया है, जो आपको पसंद नहीं है, उसे सर्कल करिए, ठीक है? Next is rotten fruit. सड़ा हुआ खराब fruit. Next is dirty shoes. Okay? Then you may circle soap. और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको रेड से करिए. नेक्स्ट इज गार्बेज. गार्बेज को हम ब्लू से सर्कल करेंगे. देन कॉफी. इफ यू लव कॉफी, यू कैन सर्कल विद ब्लू, अदरवाइज यू कैन सर्कल ब्लू पेंसिल. सो चिल्ड्रन, आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट सेंटेंसेस. यू हैव टू राइट 5 सेंटेंस हियर यूजिंग आई लाइक और I don't like the smell of. You may use these things or some other things that you like or don't like to form sentences. Okay, children? Here I have written for you that I like rose because it reminds me of scent. I like rose because it reminds me of scent. Rose को देख के मुझे किसकी याद आती है? Scent की, ठीक है? Next is I like coffee because it reminds me of chocolates. मुझे कॉफी अच्छी लगती है because it reminds me of chocolates, है ना? चॉकलेट की खुशबू और कॉफी की एक जैसी होती है ना? तो ये आपको you can write like this also, or you may make your own sentences using these words. I like and I don't like. Now the third sentence here is I do not like rotten fruit because it reminds me of garbage. अभी सड़ा हुआ फल रखा हुआ है तो उसमें से स्मेल आती है ना, तो आपको क्या लगता है? वो एक गार्बेज की स्मेल जैसी लगती है, ठीक है? You can write your own imagination. आपको जिस तरह लगता है आप वैसे लिखिए, ठीक है? I like champa. 4 sentences. I like champa because it reminds me of अगरबत्ती. अगरबत्ती जब जलाते हैं बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, तो चंपा की अगरबत्ती की चंपा के स्मेल से अगरबत्ती की याद आती है, ठीक है? Now the last sentence is I like marigold because it reminds me of nature. वो मुझे किसकी याद दिलाता है? नेचर की. हरे हरे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं ना, फूल लगे हुए मैरीगोल्ड बहुत सारे है, तो जब मैरीगोल्ड की याद आती है तो मुझे नेचर की याद आती है. आप अपने हिसाब से, आपको जैसा सेंटेंस अच्छा लगे वैसे लिखिए, ठीक है? सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट हियर इज अ स्मॉल पोएम फॉर यू. लेट्स सिंग दिस पोएम एंड देन
do the exercise given. Okay children, first is, what is it? It's like a puzzle, you have to guess the answer. Okay children, so the poem is tall ears, twinkly nose, tiny tail and hop he goes. Tall ears and twinkly nose. Uski nose kaisi hai? Choti si chamkili, theek hai, twinkly nose. Tiny tail, it has a tiny tail, choti si iski poonch hai. And hop he goes, how he goes? Hop aise kood ke, theek hai? What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Iski kaise hain? Ears bade long hain and it eats carrots. Isse carrots bahut pasand hain. Aur his tail is very small. Kaise tail hai unki? Very small hai. Aur it doesn't make any noise. Bahut shant rehta hai. Tall ears, twinkly nose, tiny tail and hop he goes. Did you guess the answer children? ये कौन सा एनिमल है? आप सबको पता लग गया ना? It's a, यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, क्या है ये? Yes, it's a rabbit. So children, after this poem, you have to find out three pairs of rhyming words. What is rhyming word children? Rhyming words are those words that sounds similar. When you say those words, they will be a sound sounding similar. Okay? एक जैसी आवाज वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? Rhyming words. तो यहाँ पर इस poem में भी कुछ rhyming words है. आपको उसको ढूंढ के यहाँ पर जो blank space में लिखना है. ठीक है? So the first pair of rhyming words are nose and goes. ठीक है? एक जैसे sound कर रहा है ना? Nose and goes. इसे हमने यहाँ पर first blank में लिख लिया है. Nose, N-O-S-E, nose and G-O-E-S, goes. And the second pair of rhyming words are guess and watercress. Guess and watercress. So we have written here guess and watercress in the second blank. Now the third pair of rhyming words are small, all. एक जैसे लग रहे हैं ना? Small, S-M-A-L-L, small and A-L-L, all. So these are the rhyming words from this poem. So children, we reached towards the end of today's class. I hope you enjoyed it and do go through the exercise and complete your work. So we'll meet in the next class with some other interesting topic. Till then, bye bye, take care.